अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त हम कराची के मारूफ तरीन तफरीही मकाम क्लिफ्टन पर मौजूद हैं और क्लिफ्टन के साहिल पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कितना कचरा मौजूद है। ये तफरीही मकाम है, लोग यहाँ पर आकर इंजॉय करते हैं, खुश होते हैं और कुछ लोग समंदर में नहा कर उसको इंजॉय करना चाहते हैं, मगर जब ये सूरत हाल देखते हैं तो उनको यहाँ पर आने का मजा खिरखिरा हो जाता है और उनके जहन में जो तस्वीर होती है एक साफ सुथरे साहिल समंदर की, वो उनको यहाँ पर मुयस्सर नहीं आता। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के चिप्स और मुख्तलिफ पैकेजेस, मुख्तलिफ रैपर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यहाँ पर ही खाने पीने के बाद कुछ लोगों ने गिराए होते हैं। कुछ पूरे शहर से या पूरे मुल्क से जो दरिया या नदी नालों की सूरत में समंदर में शामिल होते हैं वो होते हैं। यहाँ पर तो हम इसको कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, उनके इंतजामिया ने यहाँ पर कुछ जज्बन रखे हुए हैं। अगर हम लोग जरा सी कोशिश कराएं, जरा सी हुकूमत के साथ ताउन करें, क्योंकि इस कचरे को ख़त्म करने के दो ही तरीके हैं, या तो हुकूमत अपने तौर पर इसको उठाए रोजाना और इसको ख़त्म करे, या हम लोग जो शहरी यहाँ पर आते हैं उसको गिराने में कम अज कम हम अपना हिस्सा शामिल करें और उसको गिराने के जो सिलसिला है वो कम कर दें। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म का कचरा यहाँ पर मौजूद है जो कि कुछ यहीं पर जनरेट किया गया है और कुछ शहर के दूसरे हिस्से से होता हुआ यहाँ तक पहुँचता है, जो कि आबी हयात के लिए भी इंतहाई नुकसानदेह है और हमारे लिए भी काफ़ी तजदील का और तजहीक का बायस है कि दुनिया भर से लोग इस शहर को यहाँ पर देखने आते हैं, यहाँ पर तफरी मकामात को ढूंढने आते हैं, लेकिन हम उस तफरी मकामात को किस शक्ल में रखते हैं वो ये हाल आपके सामने है। तो हमारी आप तमाम अफराद से इल्तिमास है कि इस हवाले से जो आपसे रिक्वेस्ट की गई है कि कचरा ना फैलाएं, और हुकूमत से इल्तिमास है कि इसको उठाने का जल्द अज जल्द बंदोबस्त करें। देखते रहे सी न्यूज़ उर्दू और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।